तो अमेज़न प्राइम डे सेल आने वाली है 21 और 20 तारीख को, तो जो प्राइम मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए वैलिड है। एंड मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रायल बेसिस पे ज्वाइन कर लो, उसके बाद 2 रुपीज़ दे के उसको आप एक्टिवेट कर लो, उसके बाद आपको डीएक्टिवेट कर देना है 1 महीने से पहले पहले। और साथ में आपको यहाँ पे सॉन्ग प्ले करने का 150 रुपये कैशबैक भी मिल रहा है अमेज़न की तरफ से। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम अमेज़फिट की प्रीमियम वॉचेस देखेंगे और कितना कम प्राइस जा सकता है और सबसे बेस्ट वॉच आपके लिए कौन सी रहेगी। तो एक लाइक तो बनता है, हम बैक टू बैक वीडियो आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। क्या आपको पता है अमेज़फिट की वॉचेस भी काफ़ी प्रीमियम रहती हैं, काफ़ी मतलब अगर आपको बेस्ट एक्यूरेसी वाली वॉच चाहिए तो यहाँ पे सही वीडियो पे आ चुके हो। अमेज़न प्राइम डे सेल आने वाला है और टॉप की 10 अमेज़फिट की वॉचेस जो हैं अमेज़न पे सेल पे या फ्लिपकार्ट पे आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सारी वॉचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं अमेज़फिट की एक्टिव स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी कह सकते हो कॉम्पैक्ट है और इवन यहाँ पे ये साइज़ काफ़ी परफेक्ट रहता है 1.65 से लेके 1.78 इंचेस का। तो यहाँ पे अमेज़फिट ने 1.75 चूज़ किया है, AI फिटनेस एक्सरसाइज कोच देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल गाइज अगर आपको प्रीमियम फील के साथ बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो यहाँ पे अमेज़फिट की स्मार्ट वॉच ये वाली काफ़ी बेटर है। अभी जो फिलहाल का प्राइस है 12,999 चल रहा है, बट ऑन ऑफर आपको अमेज़न प्राइम डे सेल पे आपको आई थिंक 10,999 मिल सकती है, जो कि राउंड ऑफ करके 11,000 रुपये हो जाता है। एंड कार्ड ऑफर पे कुछ आपको आई थिंक 500-600 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये वॉच 10,500 रुपये के प्राइस पर सुपर डील बन जाएगी आप सभी के लिए। कॉलिंग फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है और ओवरऑल वॉच लास्ट मीडियम टू थिन तीनों इसके लिए काफ़ी परफेक्ट रहती है। तो गैस 10,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ढूंढ रहे हो तो इससे एक और वॉच में बताना चाहूँगा बेटर, जो कि आपको मार्केट में सैमसंग का ब्रांड देता है, सैमसंग की वॉच 4 Classic LTE, वो प्रॉपर एंड्रॉयड वियर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, इससे फार बेटर है अमेज़फिट की। बट अगर आपको अमेज़फिट फैन हो और अमेज़फिट की वॉचेस को ज़्यादा प्रेफर करते हो तो मेरे ख्याल से ये बेटर है, क्योंकि सैमसंग तो राउंड डायल वॉचेस बनाता है तो अमेज़फिट की ये वाली वॉच है स्क्वायर डायल में मिल रही है, तो इसके लिए आप जा सकते हैं। तो गैस 56,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है वॉच, काफ़ी ज़्यादा महंगी वॉच है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिटनेस इंथुजियास्ट के लिए यहाँ पे टारगेटेड वॉच है कह सकता हूँ मैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 150, स्पोर्ट्स मोड, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंट। तो ओवरऑल कह सकते हो अगर आप ट्रैकिंग व्रैकिंग के लिए जाते हो तो उसके लिए एक फार बेटर ये वॉच बन जाती है। अगर मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करूँ एप्पल की वॉच सीरीज अल्ट्रा, तो सीरीज अल्ट्रा एक और लेवल ऊपर चली जाती है, उसमें कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है और उसी के साथ साथ वॉच स्क्वायर डायल में, तो ज़्यादा आपको वहाँ पे स्क्रीन आपको मिलेगा एरिया, जिसकी वजह से आप ज़्यादा वहाँ पे चेक कर पाओगे नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें। तो राउंड डायल में उतने कम ही रहता है, मतलब सारी चीज़ें नहीं वहाँ पे एम्बेड हो पाती हैं उस डिस्प्ले में, तो स्क्वायर डायल ही यहाँ पे प्रेफर करता हूँ मैं खासकर। अगर हम बात करें एप्पल की भी, तो एप्पल ने राउंड डायल क्यों नहीं बनाई, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे जो विजिबिलिटी देनी थी हमको यूज़र्स को वहाँ पे, जो भी चीज़ें UI में जो भी नोटिफिकेशन आते, तो इसीलिए उन्होंने स्क्वायर डायल बनाई। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर डायल तो है नहीं इसका, तो मेरे ख्याल से फैलकॉन से बेटर रहेगी आपकी सीरीज अल्ट्रा। अगर आप प्रीमियम वॉच चाहते हो तो डेफिनेटली सीरीज अल्ट्रा के लिए आप जा सकते हैं। आगे बात आती है यहाँ पे अमेज़फिट की बैलेंस AI स्मार्ट वॉच। तो ये वॉच आपको ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है और प्राइम डे सेल पे यही वॉच आपको आई थिंक 21,999 में, मतलब 22,000 से लेकर 23,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकती है। बड़ी डिस्प्ले मिलती है, AI स्मार्ट वॉच है, कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है देखने के लिए, और अमेज़फिट की प्रीमियम वॉच की कैटेगरी में से वन ऑफ द बेस्ट वॉच बन जाती है। बट इसको अगर आप स्किप कर दो 25,000 में, अगर आप उठा लेते हो सैमसंग की वॉच 6 क्लासिक, सुपर डील बन जाती है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि एंड्रॉयड वियर तो है नहीं इसके अंदर, है ना, ज़ेपोस मिलता है, तो उससे फार बेटर है सैमसंग की वॉच 6 सीरीज़, तो इसको आप स्किप कर दो। ये छोटा वर्जन है फैलकॉन का, तो 13,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में भी मिल रही है, आई थिंक 10,999 के प्राइस ब्रैकेट में ऑन प्राइम डे सेल जा सकती है। तो 11,000 रुपये में डील कैसी है, ये अच्छी डील है डेफिनेटली यहाँ पे, बट इसको मैं साइड रख के सैमसंग की वॉच को क्लासिक LTE लेना चाहूँगा, क्योंकि उसका भी रगेड डिज़ाइन है एंड वो भी स्पोर्टी फील लगती है देती है। ऑन द अदर हैंड वो आपको सिर्फ 11,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में या 10,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाती है, वो भी सिम वाला फीचर वॉच में मिलता है, ई सिम का सपोर्ट है, एंड्रॉयड वियर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, 16 GB स्टोरेज मिल जाता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको अमेज़फिट की एक्टिव एज में नहीं मिलेगा, इसमें ज़ेपोस जरूर मिल जाएगा बट यहाँ पे आपको प्रॉपर एंड्रॉयड इकोसिस्टम नहीं मिलेगा, तो इससे बेटर आपको सैमसंग वॉच को क्लासिक LTE लेना चाहिए। आगे बात आती है BIP 5 Unity। देखो तो यहाँ पे ये वॉच कह सकते हो BIP 5 आपकी अमेज़फिट की अच्छी वॉच है डेफिनेटली, ये वॉच स्टक हो जाती है क्योंकि CMA वॉच प्रो अवेलेबल है GPS फंक्शन के साथ मार्केट में, वो भी ऑफर पे 3500 तक की चली जाती है, जो फार बेटर है मेरे ख्याल से अमेज़फिट की BIP 5 Unity से। अब BIP 5 Unity अभी 7,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में है, और ऑफर ये अगेन 4,999 तक की जा सकती है, मतलब 5,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में चली जाएगी।
बट मेरे ख्याल से इससे बेटर आपको सी एम एफ की वॉच ले लेनी चाहिए, वो अच्छी वॉच निकलेगी आपके लिए। अगेन ये लो चाहे सी एम एफ लो, दोनों वॉचेस लास्ट मीडियम इसके लिए स्ट्रिक्टली हैं, थिनेस्ट पे नहीं चल पाएगी। अमेजफिट की पॉप 3S, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग भी कर रखा है। वॉच अच्छी है, बहुत प्रीमियम लगती है, हैंड फील काफ़ी अच्छा है, बट ये लैक करती है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है बेसिकली वॉच। एंड लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की, 1.96 इंच इसकी डिस्प्ले मिलती है। एक्यूरेसी में डिसेंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एकदम जो ज़ेप्स वाली अमेजफिट की वॉचेस होती है उससे तो कंपीट नहीं कर पाती, बट ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन, गेम्स 4 तक देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन नहीं है। अब ये ऑन ऑफर वैसे नॉर्मली जो है 5,000 रुपये के प्राइस बैग में चलती है, ऑन प्राइम डे सेल आपको ये 3,999 तक के प्राइस बैग में देखने को मिल जाएगी, जो कि डील अच्छी है अमेजफिट की अगर आप वॉच चाहते हो, प्रीमियम लुक चाहते हो तो। क्योंकि इसमें एक बहुत यूनिक फीचर है जो कि राउंड 3D कर्व्ड डिस्प्ले, 3D कर्व्ड ओवरऑल बॉडी भी मिलती है इसकी आपको, तो काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है। एंड आगे आती है अमेजफिट की पॉप 3R। देखो पॉप 3S और 3R में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3S का मतलब स्क्वायर डायल और R का मतलब राउंड डायल, तो ये राउंड डायल में ये भी सेम प्राइस में है, 5,000 रुपये के प्राइस बैंड में। ऑन ऑफर ये अभी जो प्राइम डे सेल आने वाली है 4,000 रुपये में चली जाएगी, 1,000 रुपये कम हो जाएगा, तो 4,000 रुपये में डील अच्छी है। वैसे भी लास्ट टू मीडियम स्क्रीन ठीक है ये भी, और ये भी आपके जो पॉप 3S है ये भी लास्ट मीडियम स्क्रीन ठीक है। पॉप 3S को अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ फास्ट ट्रैक की रिवोल्ट FS1 Pro से, तो गाइस FS1 Pro आपको बहुत ही किफायती मिल जाती है, फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, तो FS1 Pro के लिए भी आप सकते हैं। बट उसमें क्या है कि आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, अगर आपको स्टील का बिल्ड चाहिए तो पॉप 3S के लिए जाना पड़ेगा। आगे आती है अमेजफिट का बैंड 7, आपको ऑलमोस्ट 4,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में अभी है, और प्राइम डे सेल पे यही जो बैंड है आपको 3,499 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में, या 2,999 तक से लेके 3,499 के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकते हैं। एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है, अमेजफिट का बैंड है और बैंड के हिसाब से ठीक है एक्यूरेसी, बट ये कि बैंड होता है और वॉच वॉच होती है, तो अगर आपका स्पेसिफिक नीड बैंड है तो आप बैंड के लिए जा सकते हैं। वैसे ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, बट ये कॉलिंग फैसिलिटी के साथ नहीं आता, फीचर्स ठीक मिल जाते हैं, एंड ये एक फिटनेस बैंड की कैटेगरी में फॉल करता है। अमेजफिट की GDS4 मिनी गाइस वॉच अच्छी है डेफिनेटली यहाँ पे, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 5 सैटेलाइट GPS पोजिशनिंग, बिल्ट इन एलेक्सा, GPS एमोलेड डिस्प्ले, लास्ट मीडियम टू थिन इसके लिए काफ़ी परफेक्ट वॉच बन जाती है, इवन स्क्रीन डिस्प्ले चल जाती है। तो गाइस ये वैसे नॉर्मली 6,499 की जाती है, बट Amazon प्राइम डे सेल पे आपको 5,500 रुपये तक के प्राइस बैक में देखने को मिल सकती है वॉच, ये आपने सही सुना, 5,500 रुपये में, जो कि अच्छी डील बन जाती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वॉच मैं कहूँगा अमेजफिट की देखने में मिलती है आपको, एंड इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अमेजफिट की चीता 2 वॉच, ये भी 2,500 रुपये में मिल रही है, 25,000 रुपये मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और अभी Amazon प्राइम सेल पे आपको वही 2,199 तक के प्राइस बैक में देखने को मिल जाएगी, कार्ड पर डिस्काउंट पे 20,500 तक की चली जाएगी। तो गैस 20,000 में क्या ये वॉच लेना वर्थ है, गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, इससे फार बेटर आपको मार्केट में और मिल जाएंगी, ऑनर की वॉच चॉइस मिल जाएगी या GDS4 मिनी कम प्राइस में अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको ज़्यादा ही अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो नॉइस की ये अमेजफिट की चीता 2 वॉच ठीक है, बट इतना अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपको VROS चाहिए होगा, ये तो सिर्फ आपको ZEPOS के साथ आती है, तो ZEPOS उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, उसमें लिमिटेड एप्लीकेशन मिलती है, तो इससे बेटर अगर आप 20,000 से ऊपर खर्च कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको एंड्रॉइड वियर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वॉच बाय करनी चाहिए। तो यहाँ पे टॉप की 10 प्रीमियम वॉचेस मैंने आपको बता दी अमेजफिट की, और एक्यूरेसी भी टॉप मिलती है, फीचर्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं देखने के लिए। तो गाइस सारी की सारी वॉचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपका क्वेरी इन सारी वॉचेस से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।